मेरा भाई मेरे पेट पीछे शादी तोड़ रहा है, मेरी मेरी बहन की खुशियां छीनने वाली, और प्रिया तुझे सच्चाई तो नहीं बताएगा ना? आदि उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, प्रॉमिस कर, कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं, हेलो आदि, मैं निकल गई हूँ फार्म हाउस से, मैं आ रही हूँ, लेकिन ऐसा हुआ क्या है वहाँ पर? अरे यार पहले बताओ, प्रिया को तो कुछ पता नहीं चला ना? प्रिया को शक नहीं हुआ, मैंने उसको बोल दिया कि मेरी सासू माँ बीमार है। क्या? मेरी माँ की तबीयत खराब कर दी तुमने? सॉरी बेबी, लेकिन मैं क्या बोलती ना, और पहले तो मुझे बताओ कि चल क्या रहा है वहाँ पे? तुम घर पहुँचो, मैं मिलके बताता हूँ। तुम्हारे ना ये ओके। आपने बचा लिया मॉम, वरना पता नहीं क्या होता। शुभु तू अपने इमोशंस ना प्लीज बचा के रख, राम के सामने काम आते हैं, देखा ना तूने आज। और ये बात याद रख शुभू, राम को हमारी जरूरत नहीं है, हमें राम की जरूरत है, लेकिन हमें उसे ऐसे दिखाना होगा कि वो हमारे बिना नहीं रह सकता, तू समझ रहे? थैंक गॉड मैंने वेदिका को मैसेज किया और यहाँ बुला लिया। सीरियसली मॉम, यू सेव मी, रियली। शुभू, नॉट मी, वेदिका सेव्ड यू, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि राम को लगे कि हम इस सब के पीछे है। एंड शुभू एक और बात, शिवी की शादी टूट रही है तो प्लीज हमें अपसेट होना पड़ेगा, और ये भी दिखाना पड़ेगा कि तुम प्रिया को तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए तो मैंने प्रिया को इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। हाँ मॉम समझ गया मैं, पर अब क्या, अब शादी टूटने का वेट करें? नहीं नहीं शुभू, हम रिस्क नहीं ले सकते, तुम उस प्रिया को जानते हो ना, वो बाल की खाल निकालने लग जाएगी और फिर सब कुछ ठीक कर देगी, पिछली बार भी तो ऐसा ही हुआ था, राम की एलर्जी हुई थी तो राम मुझसे कह रहा था कि प्रिया को मत बताओ, इसलिए तो मैंने इस बारे में उसे कुछ कहा भी नहीं। ऐसा तो नहीं कि राम भाई उसे पसंद करने लगे हो? नहीं शुभू, सिंपति है, जानते हो ना तुम राम को, सहानुभूति फूट फूट कर है उसमें, लेकिन मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो मीरा जी, सॉरी मैंने आपको इस वक्त फोन किया। नहीं नहीं कोई बात नहीं है नन्नी जी, सब ठीक ना? हाँ हाँ सब ठीक, वो एक्चुअली मुझे कपकेक्स चाहिए थे, मुझे अभी कपकेक्स मिल जाएंगे? अभी जी, वो एक्चुअली अक्षय का बर्थडे है और शिवी ना अक्षय को मिस कर रही है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उसे सरप्राइज दे दूँ, और आपके कपकेक्स उसे बहुत पसंद है, तो अभी कपकेक्स मिल सकते हैं? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बेकरी आ जाइए, मैं वहीं मिलती हूँ आपसे। परफेक्ट, थैंक यू जी। अब प्रिया की बेकरी हमारा काम कर देगी। मैं क्यों उठूं? क्योंकि हम फार्म हाउस जा रहे हैं आदि, अभी। फार्म हाउस? हम लोग क्या करने जा रहे हैं फार्म हाउस? आदि तुम समझते क्यों नहीं हो बात को यार, राम और प्रिया को ना एक दूसरे से बात करनी नहीं आती है, 4 दिन हुए नहीं है उनकी शादी को, हर दूसरे दिन कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है यार उनके बीच में, और उन दोनों की शादी क्यों हुई थी? अपने भाई बहन के लिए ना, अक्षय शिवीना की शादी कैसे टूट सकती है? बेबी कोई बड़ी वजह होगी इसलिए राम ये शादी कैंसिल कर रहा है, राम इतना बड़ा डिसीजन ऐसे ही नहीं ले लेगा। हाँ मुझे पता है तुमको लगता है कि मैं ना ओवर ऑप्टिमिस्टिक हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, आज पूरा दिन मैंने प्रिया के साथ स्पेंड किया है, वो राम की केयर करती है, उसको बहुत परवाह है, इनफैक्ट इतने कम टाइम में वो राम को इतनी अच्छी तरह समझ गई है जितना उसकी फैमिली आज तक नहीं समझ पाई, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये शादी कभी नहीं टूटने दूंगी, नेवर। नाउ गेट अप, हम जा रहे हैं, गेट अप। पर नंदिनी आंटी फार्म हाउस पहुंच जाएगी फिर क्या होगा? प्रिया को कैसे बताऊं? आज रात रहने दो, कल सुबह बात करूं क्या प्रिया से? आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ वो जनरेटर ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो पर ठीक है, तुम्हें सही लगता है ना ये, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, कैंडल जलाओ तो। हाँ अब हम बैठकर बात कर पाएंगे, एक दूसरे को बेहतर जान पाएंगे। तो बताइए कौन सी मीटिंग थी आपकी? मीटिंग? आपके काम के बारे में ज्यादा जानती नहीं हूँ ना। वो हाँ वो इसकी वजह से आप लेट आए थे। आप जो चाहती हैं ना वही होगा,
शादी आप नहीं तोड़ेंगे, मैं तोड़ूंगा। चलो अभी के अभी नंदिनी जी के घर चलते, अकी तो वही है ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो मामी। ए, रात हो गई, आधी रात है अभी, ये समय ठीक नहीं जाने का, समझा करो। वृंदा का कॉल है, एक सेकंड। हेलो वृंदा। नंदिनी आंटी तो फार्म हाउस जा रही हैं राम और प्रिया से बात करने के लिए। क्या, ये क्या कह रहे हो आदि तुम? फिर तो नंदिनी आंटी ये शादी तोड़ के रहेंगी। आदि मुझे लगता है मुझे सारा को कॉल करके बता देना चाहिए। मगर राम भी तो मान गया है। वो ना, राम मान गया है हाँ, लेकिन उनके घर में किसी ना किसी को तो ये बात पता होनी चाहिए ना, ताकि कोई नंदिनी आंटी से बात करे अभी। तुम ये क्या पागलपन कर रही हो? इसे पागलपन नहीं, एक्टिंग कहते हैं डार्लिंग। सारा को ये लगना चाहिए कि गलती से मेरी तरफ से उसको कॉल लग गया था, जबकि मैं जान पूछ के उसको कॉल करके बताना चाहती थी। अब वो जाके सारिका आंटी को बता देगी। सारिका आंटी ये बात सुनने के बाद इमीडिएटली नंदिनी आंटी के घर जाएंगी बात करने, और हम जाएंगे फार्म हाउस। नंदिनी आंटी पहुंच नहीं पाएंगी ना फार्म हाउस। चलो उठो, हम चल रहे हैं। गेट आउट। जा रहे यार। अच्छा वो मैं शशि, शशि से मिला था। शशि को तो तुम जानती हो ना, जिनके घर पे हम डिनर के लिए गए थे। शशि का भाई और शुभम, उनके बीच एक बिजनेस डील साइन होनी थी, वो काफी डिले हो गई क्योंकि वो शादी टूट गई थी। शशि और सिर्फ ये। राम क्या कर रहा है? तुझे झूठ बोलना नहीं आता भाई, पकड़ लेंगे। तो अक्षय और शिविना की शादी हो रही है ना? आपने वादा किया ना, आप मुकरेंगे नहीं मिस्टर कपूर, है ना? अच्छी बात है, आप अपनी जुबान से पीछे नहीं हटते। शुभू तू क्या कर रहा है, जल्दी चल, जितनी जल्दी हो सके हमें फार्म हाउस पहुंचना है। या आई नो। शिविना, अक्की, आप मेरे घर में आके चिल्ला नहीं सकती। शिविना, अक्की। गॉड, आप अक्षय को क्यों आवाज दे रही हैं? वो उसका घर नहीं है। अक्षय? मॉम, अक्षय का बर्थडे है, वो मुझे सरप्राइज देने आया है। अच्छा, सरप्राइज? पर तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि ये शादी नहीं हो रही है। How dare you? तू मेरी बहन के रूम में क्या कर रहा था? तुम छोड़, काम फियांसे है मेरा, वो उसका बर्थडे, मुझे सरप्राइज देने आया है। क्या हुआ? माँ ये क्या बोला आपने शादी के बारे में? बुआ जी क्या हो रहा है ये सब? आप लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।